हेलो गाइस, कैसे हो आप? तो उम्मीद करूंगा सब ठीक होंगे। चलिए, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं बात कर रहा हूं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो 3 मैच चूँकि T20 सीरीज खेली गई थी और 2 टेस्ट मैच खेले गए थे, उस मुकाबले के अंदर भारत ने 4 रनों जीत कर दिया न्यूजीलैंड को टीम को और 3-0 से जो T20 सीरीज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई वो भारत ने जीती। और पहली बार जो रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे, उनको पहली बार मौका मिला कप्तानी करने का जो अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के अंदर T20 सीरीज के अंदर, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया और भारत को पहली अपनी जो कप्तानी के अंडर उन्होंने भारतीय टीम को श्रृंखला जो 3 मैचों की सीरीज जिताई। और इसके बाद 2 टेस्ट सीरीज खेली गई, जो पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम जीतने के कदार पर था, मगर वहां पर एक आखिरी विकेट जो न्यूजीलैंड के लिए अच्छा प्रदर्शन किया और उस टेस्ट मैच को 5वें दिन बचाने में कामयाब रही। और दूसरा टेस्ट मैच जो भारत ने काफ़ी आसानी से जीत लिया, और दोनों ही जो T20 सीरीज और टेस्ट सीरीज भारत जीत में कामयाब रहा। और कहीं ना कहीं भारत ने जो T20 में विश्व कप के अंदर हार का जो बदला ले लिया है न्यूजीलैंड की टीम से। और काफ़ी देर के बाद जी मैं वीडियो बना रहा हूं और मेरे जो स्पोर्ट्स चैनल का नाम है इंटायर क्रिकेट, यू कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो आई विल मीट यू सून विद द लाइव क्रिकेट कमेंट्री। एंड और भारतीय टीम दौरा कर रही है अब साउथ अफ्रीका का, जो 26 दिसंबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाना है सेंचुरी में। और जो ही जो मैच लाइव शुरू होंगे, हम फिर एक बार मिलेंगे लाइव वीडियो क्रिकेट कमेंट्री के साथ। इसलिए आप देखते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल संदीप का क्रिकेट कमेंट्री एंड इंडिया विल टूर ऑन साउथ अफ्रीका, द फर्स्ट टेस्ट विल स्टार्ट ऑन 26 दिसंबर इन द सेंचुरियन एंड वेन द लाइव एक्शन विल कम from to there and once again I will able to join with you. Till then goodbye and meet again. Till then have a nice day.